मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुत्ता काट ले या बिल्ली काट ले या चूहा काट ले या कोई भी पालतू जानवर काट ले, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई भी पालतू जानवर काट ले या कोई भी, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया या पागल कुत्ते ने काट लिया, किसी को बिल्ली ने काट लिया या किसी को चूहे ने काट लिया या किसी को और पालतू जानवर ने काट लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी पालतू जानवर काट रहा है तो उस जगह पर अच्छी तरह से धुलाई कर देनी चाहिए, साफ सुथरा कर देना चाहिए, साबुन से अच्छी तरह से धुलाई कर दें, उसमें कुछ लगाना नहीं चाहिए। और उसके तुरंत बाद आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि रेबीज का इंजेक्शन लेना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल लेना जरूरी है, क्योंकि इन जानवरों के काटने से हमें रेबीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें रेबीज का फर्स्ट डोज, रेबीज का इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर में ही लगवा लेना चाहिए। कोई भी जानवर काटे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुछ भी ऐसा कोई भी काट ले, उस तुरंत हमें रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। अब समझिए कि अगर हम लेते नहीं है रेबीज का इंजेक्शन तो क्या होगा, क्या हमें कुछ तो नहीं होगा, या पागल कुत्ते ने काट लिया तभी रेबीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पागल कुत्ते ने काटा तभी रेबीज हो सकता है। ये नॉर्मल कुत्ते से भी रेबीज हमें हो सकता है, या नॉर्मल बिल्ली से भी हमें रेबीज हो सकता है, या नॉर्मल चूहे से भी हमें रेबीज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पॉइजनिंग वाला रैट हो उसी की वजह से, या पॉइजनिंग वाला चूहा हो उसी से हो सकता है हमें रेबीज, किसी से भी हमें रेबीज हो सकता है। इसलिए हमें 24 घंटे के अंदर में हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अब पूछेंगे रेबीज का डोज कितना डोज लेना चाहिए, तो रेबीज का इंजेक्शन हमें 5 लगवाने होते हैं, 5 डोज कंप्लीट लगवाने होते हैं। जैसे कैसे लगवाना चाहिए, पहला तो डोज तो 24 घंटे के अंदर लगवा, 24 घंटे के अंदर लगवाना चाहिए, और दूसरा डोज 3 दिन के बाद, तीसरा हफ्ते में, फिर उसके बाद 15 दिन में, उसके बाद 28 दिन में। तो पूरे डोज 5 डोज कंप्लीट करनी चाहिए ताकि हमें भविष्य में रेबीज होने से बचा जा सके। इसलिए आप लोगों को रेबीज इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है, चाहे कोई भी जानवर का, पागल कुत्ते ने काटा हो, पागल बिल्ली ने काटा हो, या पॉइजनिंग वाला चूहा काटा हो, या नॉन पॉइजनिंग वाला चूहा काटा हो, नॉन पागल कुत्ते ने काटा हो, या नॉन बिल्ली ने काटा हो, इसमें आपको हमेशा हर टाइम पे रेबीज लेना ही पड़ेगा। आप पूछेंगे क्या रेबीज का एक बार काट लिया चूहे ने हमें लगवाना चाहिए, लगवा लिया फिर दोबारा कभी चूहे ने काट लिया तो हमें रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए। ये रेबीज का इंजेक्शन जितनी बार कुत्ता काटे या जितना बिल्ली काटे या चूहा काटे, उस हर टाइम पे आपको ये रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जानकारी शेयर करें, अपने घर वालों को शेयर करें, ताकि किसी और को भी ये बीमारी होने से बचाया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।